उम्रा में दम लेने का क्या मतलब है? क्या वापस आकर दम दे सकते हैं? उम्रे में दम लाजिम होने का क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि जानवर को ज़बह करना होगा? अगर हाँ तो क्या हमें इसके साथ पैसे ले जाना ज़रूरी होगा? और अगर हम वहाँ के इंतज़ामिया को पैसे दे दें और वो हमारे जाने के बाद जानवर ज़बह कर दें तो क्या ये ठीक होगा? फौजिया साहब साहिबा ने सवाल लंदन से पूछा है। उम्रे में दम वाजिब होता है दो सूरतों में। आप कोई हालत हैज़ में औरत अगर तवाफ़ कर ले, या ये कि एहराम की हालत में आप कोई जिनायत कर लें जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। एहराम में खुशबू लगाना मना है और एहराम में जिस्म के बाल तोड़ना मना है। इस तरह की कोई पाबंदी हो जो आप उसको फॉलो ना करें, उसकी तफसील है, तो उसमें दम वाजिब होता है। लेकिन उम्रे में दम जो होता है बकरे का या दुम्बे का होता है, ऊँट का या गाय का दम नहीं होता। ऊँट या गाय का दम हज में होता है बाज़ सूरतों में, वो भी बड़ी जिनायत में। लेकिन उम्रे में जो दम है वो छोटा दम जिसे कहते हैं वही होता है। बाकी ये कि अगर वो उम्रे में वाजिब हो जाए तो फौरी अदायगी उसकी ज़रूरी नहीं है, आप घर आके भी दम दे सकती हैं। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि हरम में ही जानवर ज़बह हो, लिहाजा पैसे दे दिए जाएँ वहाँ किसी को। बेहतर तो यही है कि ख़ुद जानवर ज़बह करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें, और अगर ख़ुद नहीं कर सकते किसी को दे दिए जाएँ पैसे कि भाई आप हमारी तरफ़ से हरम में ये जानवर ज़बह कर दें हुदूद हरम में और गरीबों में खिला दें, तो ये भी जायज़ है। बाकी पैसे साथ ले जाएँ या ना लेके जाएँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पैसे नहीं भी लेके जाए और दम वाजिब हो गया तो वापस आके आप बैंक के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हर तरह से जायज़ है। पैसे ले जाएँ तो भी ठीक है।